हेलो, आप कहाँ हो? अरे मैं बोला था कहीं घूमने चले गया। आप सोचो, ओंकारेश्वर? नहीं, उज्जैन ही। नहीं नहीं, कुछ और सोचो, जल्दी सोचो, सोचो सोचो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मांडू चले। तो पूरे 2 घंटे धुंध भरे रोड्स को पार करके हम पहुंचते हैं अपनी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन पर। तो पहुंच चुके हम अपनी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन पर और ये जगह अपने वाटरफॉल और टेरिफाइंग व्यू के लिए फेमस है। एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड और काकड़ा खो को अलविदा कहकर हम बढ़ते हैं आगे अपनी अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। Thank you.
तो अभी हम है जामी मस्जिद, जो है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ का और बेस्ट है देखने के लिए। यहाँ का जो मोन्यूमेंट है एकदम डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इट्स गुड टू बी देयर एंड मज़ा आ रही है। सुरेश भैया कैसा लगा अंदर? ठीक है, बढ़िया, मस्त है, मजा आई। अरे बहुत, 4 महीनों से प्लान बन रहा था, अब जाके सक्सेस हुआ, खुश हो? हाँ, जैसे जैसे सक्सेस हुआ है। गुड, बस तुम कह रहे थे यूं करो। तो बेसिकली ये जो भी महल है पूरा, लगता तो नहीं कि महल है, पूरा स्ट्रक्चर जो है डिमोलाइज हो चुका है और यही है जो बचा है। अब अकॉर्डिंग टू प्लान्स इसे जल्द से जल्द देखकर हमें यहाँ से निकलना था, लेकिन मेरे बीन इमली लवर दोस्तों के कुछ और ही प्लान्स थे। हम तो जानते ही नहीं इनको, देखो ये नीचे हम ऊपर हैं। तो जो भी था यहाँ का देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे जल्दी। तो आ चुके हम मांडू की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जहाज महल, और लिटरली भाई बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, दिखाते हैं आपको। तो रोहित भैया एक ट्रांजिशन बनाते हैं, मेरे साथ बोलना है ना, 1 2 3 ओके, 1 2 3 तो ये है इंडोला महल, और इसकी जो भी हिस्ट्री है, जो भी है वगैरह यहाँ पर लिखा है, तो देखते हैं इसे, एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये है जल महल, सुपर का सीन है, आस पास पानी है और पानी के बीच में महल है। तो ये है यहाँ का सनसेट, बट अब सनसेट तो नहीं दिखना है, लेकिन अच्छी जगह है, मतलब जल महल में अच्छा मौसम होता है, बिना बादल के।
आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं पांच बहादुर पैलेस। तो माय नेक्स्ट लोकेशन है रानी रूपमती महल, नेक्स्ट एंड द फाइनल डेस्टिनेशन। एंड बढ़ते हैं वहाँ, सामने जो आपको दिखाई दे। तो ये है रानी रूपमती महल, और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ की जो रानी थी वो उनको नर्मदा नदी देखने का कुछ था कि हाँ देखना है डेली, उसके लिए राजा ने स्पेशल बनवाया था। अच्छा है, एट द टॉप ऑफ मांडू है। Hi guys, oh guys, तुम कहां ले जा रहे हैं अब घर की ओर, और ये हमारी पूरी गैंग। तो रानी रूपमती पैलेस से बाहर निकलने के बाद महसूस हुआ कि हर खूबसूरत सफर कभी न कभी खत्म जरूर होता है। हर तरफ तो ये थी हमारी कुछ मांडू की कहानी। मिलते हैं फिर। तो गाइस, राज्य के सारे जितने भी सेनापति थे सब एक एक पिलर पे बैठ चुके हैं।